चलिएगा। तो हम बात करेंगे लोधी डायनेस्टी के आखिरी शासक या तीसरे शासक की, थर्ड रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। अब लोधी वंश के तीसरे शासक हो, या हम बोलें दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान, ऐसा भी बोल सकते हैं, द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्लियर, द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज द इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इब्राहिम खान लोधी की। जिनका रूल, जिनका शासन कब से कब तक चला, अगर हम बात करें इनके शासनकाल की, तो जो इनका शासनकाल है वो चला है आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, इट मीन्स कि 1517, 1517 से लेकर इन्होंने रूल किया 1526, 1526 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई। और हमें सभी को पता है 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को इनकी डेथ हुई थी, 21 अप्रैल 1526 ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। तो पानीपत के पहले ही युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी, और कितनी तारीख को, 21 अप्रैल 1526 को, तब तक इन्होंने शासन किया इस डायनेस्टी में। चलिएगा, तो गौर करते हैं कुछ मुद्दों पर, कुछ पॉइंट्स पर, एक स्टोरी एक कहानी जो है उनको समझना है। कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ जाता है, या कुछ दो चार क्वेश्चन हैं जो बनेंगे जो इस पूरी स्टोरी में हमको समझ में आएंगे। बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1517, ये शासक बने दिल्ली सल्तनत के 1517 में, एट द डेथ ऑफ हिज फादर सिकंदर लोधी। तो सिकंदर खान लोधी की मृत्यु होने के बाद ये दिल्ली सल्तनत के शासक बने। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दी लोधी डायनेस्टी, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दी लोधी डायनेस्टी। बात क्लियर है कि ये अंतिम शासक थे इस वंश के, रिगेनिंग रेंजिंग फॉर 9 ईयर बिटवीन 1517 अंटिल बींग डिफिटेड एंड किल्ड एट द बैटल ऑफ पानीपत बाई बाबर्स इन्वेडिंग आर्मी इन 1526। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि इनका शासन 1517 से शुरू हुआ, जब इनके इनके पिता की मृत्यु हुई, और तब से 1526 तक तक शासन किया है, और बाबर की सेना ने जब अटैक किया और इनकी मृत्यु हुई, तब तक इन्होंने शासन किया है। एंड गिविंग बे टू द इमरजेंस ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, और इसी के बाद भारत में मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर का क्या होना शुरू हुआ, इमरजेंस होना शुरू हुआ। क्लियर, देखिएगा आगे, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, बात क्लियर हो गई है। और मुगल एम्पायर का इन्हीं के साथ ही क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया है या शुरू हो गया है। ही फेस्ड न्यूमरस ऑफ रिबेलियंस, ही फेस्ड न्यूमरस ऑफ रिबेलियंस, यानी इनके शासनकाल के समय काफ़ी ज़्यादा रिबेलियंस हुए, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुए। ही फेस्ड न्यूमरस ऑफ रिबेलियंस। इब्राहिम लोधी ऑल्सो डिस्प्लेस्ड द नोबिलिटी वैन ही रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि इब्राहिम लोधी ने क्या किया, अपने कई सारे नॉवेल्स को, यानी कि नॉवेल्स का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट जो सरदार थे, इम्पोर्टेंट जो ऑफिसर्स थे, मलिक थे, उन्हें क्या किया, रिप्लेस करना शुरू किया। इब्राहिम लोधी ऑल्सो डिस्प्लेस्ड द नॉबिलिटी वैन ही रिप्लेस्ड ओल्ड एंड सीनियर कमांडर्स विथ यंगर वंस हु वर लॉयल टू हिम। तो इन्होंने क्या किया कि जो पुराने ओल्ड जो सूबेदार थे, शासक थे, या नॉवेल्स थे, अधिकारी थे, उन्हें डिस्प्लेस कर दिया, उन्हें उनकी जगह से हटा दिया, और उनकी जगह कुछ यंग या यूथ, युवाओं को क्या करना शुरू किया, अपॉइंट करना शुरू किया, जो उसके प्रति क्या थे, वफादार थे। हिस अफगान नॉबिलिटी इवेंचुअली इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। अब जब ऐसा किया गया तो उनके जो अफगान सूबेदार थे या जो अफगान अधिकारी थे, नॉवेल्स थे, उन्होंने इन्वाइट किया किसे, बाबर को, इन पर अटैक करने के लिए। तो सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था। देन इन 1526 जब इन्वाइट किया गया, देन इन 1526 द मुगल फोर्स ऑफ बाबर द किंग ऑफ कुबलिस्तान, जो कहाँ का शासक था, हु वॉज द किंग ऑफ कुबलिस्तान, जो कुबलिस्तान का शासक, कुबलिस्तान का मतलब काबुल, काबुल का शासक बाबर ने जब उसे इन्विटेशन मिले, तो 1526 में उसने योजना बनाई और आकर उसने अटैक कर दिया किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर, है ना। और इनके बीच में लड़ा गया भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में, इसका रिजल्ट आ गया था। देखिए, बाबर जो इंडिया में आया था ना, उसके खेमे में लगभग 12,000 से 30,000, ऐसा बोला जाता है, लगभग 12,000 आप मान लें, 12,000 से 15,000 तक के सैनिक थे, ऐसा कई इतिहासकार बताते हैं। और कई बुकों में यह भी लिखा है कि 12,000 से 30,000 के लगभग सैनिकों को लेकर वो अपने साथ में आया था। क्लियर, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि जब वो अपने युद्ध के लिए आया था, तो उसके साथ कई सारी चीज़ें इस तरह से भी थी, जैसे आर्टिलरीज थे, एक्सप्लोजिव्स थे, इट मीन्स कि तोप गोले थे, कैनन्स थे, इट मीन्स कि तोपें, बंदूकें, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें वो अपने साथ लेकर आया था। क्लियर,
और अगर इब्राहिम लोदी की बात की जाए तो इब्राहिम लोदी के खेमे में लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक की क्या थी फोर्स थी। बट इब्राहिम लोदी के साथ जो एक पॉइंट था वो ये था कि उसके पास कोई भी तोप गोले बारूद या इस तरह के कोई एक्सप्लोजिव जो मटेरियल्स हैं वो नहीं थे, समझ गए। इस कारण इब्राहिम लोदी की हार हो गई और बाबर जीत गया युद्ध में। अब हम इस कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर। अभी तक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए। देखिए, जितना महान और जितना योग्य सिकंदर लोदी हुआ करता था, क्योंकि ये किसके जगह पर शासक बने हैं, सिकंदर लोदी की जगह पर, तो जितना महान और जितना योग्य सिकंदर लोदी हुआ करता था उतना ही अयोग्य शासक था कौन, इब्राहिम लोदी। तो जितना योग्य था, जितने योग्य थे इनके फादर, उतने ही अयोग्य इनकेपेबल रूलर कौन हुए, इब्राहिम लोदी। जितनी जनता फेवर करती थी, जितनी भी जनता के फेवर में पॉलिसी स्टार्ट की थी इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने जितनी भी पॉलिसी स्टार्ट की थी ना इनके पिता ने जनता के फेवर में, उन सारी पॉलिसी को इन्होंने बंद करवा दिया। इसीलिए तो बोल रहे कि उतना ही अयोग्य था, अयोग्य शासक था। तो जितनी अच्छी अच्छी पॉलिसी इनके पिता ने स्टार्ट की थी, और चूंकि बोला भी जाता है इब्राहिम लोदी इज द मोस्ट सिकंदर लोदी इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो जितनी अच्छी पॉलिसी स्टार्ट की थी वो सारी पॉलिसी इन्होंने क्या कर दी, बंद करवा दी, क्लियर। और जब इसने सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी बंद करवा दी तो इब्राहिम लोदी से उसकी जो जनता है वो भी नाराज हो गई, और जो ऑफिसर्स थे इसके मंत्रिमंडल में और अलग अलग सूबेदार थे वो भी इससे क्या हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा था कई सारे पुराने या बुजुर्ग ऑफिसर्स को यंग डायनामिक लोगों के साथ। तो वो जनता भी नाराज हो गई और इसके जो मंत्रिमंडल के जो मेन ऑफिसर्स हुआ करते थे वो भी नाराज हो गए, और इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ा किसे, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को इसी बात का क्या हुआ है, खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उसी के नॉवेल्स ने, उसी के अधिकारियों ने ही तो इन्वाइट किया था किसे, बाबर को, समझ गए ना। तो इसी बात का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे इब्राहिम लोदी जिस साल सिंहासन पर बैठा, और सिंहासन पर कब बैठा, 1517 में, और उसी समय पर अगर हम बात करें मेवाड़ में किसका शासन चल रहा था, राणा सांगा का। तो ध्यान रखिएगा जिस वर्ष ये शासक बना है 1517 में, 1517 में, उसी वर्ष उसने अटैक किया मेवाड़ के राजपूत रूलर राणा सांगा के ऊपर, और मेवाड़ को कैप्चर करने के पर्पज से, मेवाड़ को जीतने के उद्देश्य से, इन 1517 में इसने अटैक कर दिया था मेवाड़ पर। और 1517 में ही एक फेमस युद्ध लड़ा गया था दोनों के बीच में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, इन 1517, एंड द बैटल वॉज द बैटल ऑफ खटोली। इसे कहा जाता है द बैटल ऑफ खटोली। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बैटल ऑफ खटोली कब लड़ा गया, आंसर आएगा 1517। किस किस के बीच में लड़ा गया, तो राजपूत शासक राणा सांगा सिसोदिया वंश के शासक, और दूसरा जो नाम होगा वो होगा इब्राहिम लोदी। जब ये पता चला इब्राहिम लोदी को, व्हेन ही गेट द इंफॉर्मेशन दैट राणा सांगा जो हैं वो उनकी टेरिटरी में क्या कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, उनकी टेरिटरी के अंदर क्या हो रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, कौन, राणा सांगा अपनी टेरिटरी को फैलाते हुए इब्राहिम लोदी के रीजन को क्या कर रहे हैं, एनेक्स कर रहे हैं, कौन, राणा सांगा, क्योंकि ये भी एक महान शासक थे सिसोदिया डायनेस्टी के। तो जब उसे ये खबर मिली तो उसने अपनी फोर्स को इकट्ठा किया और अटैक कर दिया किसके ऊपर, राणा सांगा के ऊपर। राणा सांगा भी कोई ऐसे कमजोर से शासक नहीं थे, उनके बारे में बता चुका हूँ कि 100 युद्ध लड़े हैं और एक ही युद्ध हारा, इट मीन्स कि इन दिस बैटल राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में राणा सांगा ने पराजित कर दिया किसे, इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और जब इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तो इस पराजय का बदला लेने के लिए उसने अगले ही साल या कुछ दिनों के बाद एक और अटैक कर दिया राणा सांगा पर, उस युद्ध में भी राणा सांगा ने अगेन पराजित कर दिया किसे, इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी के जो प्रिंस थे, जो सक्सेसर थे, उन्हें इंप्रेशन भी कर लिया, कैद भी कर लिया। फाइनली दोनों के बीच में ट्रीटी करानी पड़ी, संधि हुई और सब कुछ फिर ठीक हुआ। बट एक दुश्मनी जो है, एक दिमाग में एक एनिमिटी क्लियर डेवलप हो गई है राणा सांगा के भी और इब्राहिम लोदी के भी अंदर। इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था किसने, राणा सांगा ने, दो युद्धों में, एक ही ध्यान रखिए बैटल ऑफ खटोली जो लड़ा गया 1517 को। हालांकि एक युद्ध और हुआ है इतिहासकार बताते हैं, जिसमें कि अगेन राणा सांगा ने पराजित कर दिया था किसे, इब्राहिम लोदी को, क्लियर।
इस युद्ध के 2 वर्ष के बाद ही, इस युद्ध के होने के 2 साल के बाद ही अगर हम बात करें अब बाबर की, क्योंकि जब हम इब्राहिम लोदी का इतिहास पढ़ते हैं तो बाबर का इतिहास डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आखिर उसे हराया और उसकी हत्या भी किसने की थी, बाबर ने ही की थी। तो यहाँ पे अब हम बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने इन्वेजन करना शुरू कर दिए थे हिंदुस्तान पर। बाबर ने इन्वेजन करना शुरू कर दिए थे कहाँ पे? हिंदुस्तान पर। देखिए बाबर बात की जाए ना, मूल रूप से उज्बेकिस्तान से बिलोंग करता था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगना, तो फरगना का वो शासक था और काफ़ी कम एज में ही वो शासक बन चुका था फरगना का, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। उसके पिता की मृत्यु के बाद फरगना का काफ़ी कम एज में रूलर बन चुका था बाबर, और वो एक छगताई तुर्की जाति से बिलोंग करता था। कौन सी जाति से, कौन सी कास्ट से? छगताई तुर्क। और वो वंशज था, 5वां वंशज था किसका? तैमूरलंग का। अपने पिता की ओर से तैमूरलंग से और अपनी माँ की ओर से चंगेज खान से रिलेटेड था बाबर। तो बाबर जो बचपन से ही काफ़ी डायनामिक या काफ़ी ज़्यादा युद्ध कौशल में निपुण व्यक्ति था, और बचपन में भी उसने कई बार युद्ध लड़े और कई बार उसे अपने क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ा, और 2 जगहों पर ही वो रूल करता था, एक फरगना और दूसरा जो जगह थी वो थी समरकंद, जो उज्बेकिस्तान में आता है समरकंद। बताया था ना समरकंद प्लेस, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया समरकंद के बारे में। तो समरकंद और दूसरी जगह कौन सी? फरगना, बस इन 2 जगहों पर रूल करता था। और फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी ट्राई करने के बाद, लगभग 1506 1506 या 1508 के लगभग वो काबुल का शासक बन गया। काबुल उसने जीत लिया और काबुल पर अपना स्टेबिलिटी स्थापित कर ली, काबुल उसके कंट्रोल में आ गया था, है ना। और कई वर्षों तक काबुल का शासक रहा, उसे काबुल काफ़ी पसंद भी था। अफगानिस्तान का शहर है काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी भी है वर्तमान में। तो इसीलिए बोला कुबलिस्तान, यानी कुबलिस्तान का शासक, यानी काबुल वाला रीजन का शासक था बाबर। और जब उसे ये लगा कि दिल्ली सल्तनत पे एक अयोग्य शासक शासन कर रहा है, देन ही ट्राई टू अटैक इन इंडिया, तब उसने इंडिया पे ट्राई कर दिया था अटैक करना। और 1519 में उसने पहला इन्वेजन किया था भारत में। तो ध्यान रखिए बाबर का पहला अटैक नहीं था, पानीपत का तीसरा युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, इट वॉज नॉट हिज फर्स्ट इन्वेजन, इट वॉज हिज फिफ्थ इन्वेजन। ये कौन सा इन्वेजन था उसका? 5वां था, समझ गए ना। इससे पहले वो कितनी बार अटैक कर चुका था? 4 बार। पहला ही इन्वेजन उसने किया था 1519 में, 1519 में इसने पहला अटैक कर दिया था, क्लियर। तो फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर वॉज हैपन्ड इन 1519, 1519 में। कहाँ पर कर दिया था? बाजोर नामक एक स्थान आता है सिंध वाले रीजन में, बाजोर पर। तो जब रूल कर रहा था दिल्ली में, दिल्ली का मतलब उस समय कैपिटल आगरा हुआ करती थी, जब रूल कर रहा था आगरा में कौन? इब्राहिम खान लोदी। उस समय पर काबुल का शासक था बाबर, और इसी बात का फायदा उठाते हुए बाबर ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया इंडिया में, और लगभग 4 बार अटैक किया। और उसके बाद उसका पानीपत का युद्ध हुआ, और 1519 में इसने इंडिया पर फर्स्ट अटैक किया, फर्स्ट अटैक, पहला आक्रमण, फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर। कहां किया? प्लेस का नाम क्या है? बाजोर। बाजोर में ये अटैक हुआ था। बाजोर जो सिंध या पाकिस्तान में आता है, वहां पे एक किले पे अटैक किया था जिसका नाम था भेरागढ़ किला, क्लियर। तो बाजोर, बाजोर में एक फोर्ट के ऊपर, एक किले के ऊपर, एंड द फोर्ट नेम वॉज, जो फोर्ट का नाम था वो था भेरागढ़। भेरागढ़ के किले पे अटैक किया, समझ गए। इट वॉज हिज फर्स्ट इन्वेजन इन इंडिया 1519। ही अटैक ऑन बाजोर, बाजोर में एक किले के ऊपर जिसका नाम हुआ करता था भेरागढ़ का किला। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, जो तुर्की भाषा में उसने लिखी है, उसमें उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है, इस बात पे एग्री हुआ है कि इन दिस बैटल, इस युद्ध में ही यूज्ड फर्स्ट टाइम कैनन्स एंड एक्सप्लोजिव्स इन इंडिया। उसने अपनी आत्मकथा में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस युद्ध में ही उसने पहली बार इंडिया में या हिंदुस्तान में तोपों का और गोला बारूद का क्या किया है? यूज किया है। तो इंडिया में सबसे पहले तोप और गोला बारूद को लाने वाला व्यक्ति ही कौन था? बाबर था। और सबसे पहले युद्ध में इन चीजों का यूज हुआ था 1519 में, बैटल ऑफ बाजोर, बाजोर के युद्ध में, क्लियर। किन चीजों का? कैनन्स, कैनन्स का मतलब होता है तोप,
एंड एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स का मतलब होता है तोप, गोला बारूद, है ना, बम वगैरह। एक्सप्लोजिव्स का इन यूज करना शुरू किया है, तोप गोलों का यूज करना शुरू किया। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखिए, बाबर ही पहला व्यक्ति था या बाबर ही फर्स्ट पर्सन था जो इंडिया में बंदूकों का भी यूज करना स्टार्ट किया था, है ना। बंदूकों का भी यूज करना किसने स्टार्ट कर दिया था? बाबर ने, है ना। तो उसे बंदूक वगैरह का भी नॉलेज था। इट वॉज हिज फर्स्ट इन्वेजन, है ना। अब देखिए आगे, 1520 से लेकर 1521 के बीच में, 1520 से 1521 के बीच में ही अटैक थ्री टाइम इन इंडिया। इसने भारत पर तीन बार अटैक किए, थ्री टाइम अटैक इन इंडिया, तीन बार इंडिया पर अटैक किए थे इस इन दो सालों के बीच में। कितनी बार अटैक किए थे? तीन बार। तीन बार ये अटैक कहाँ किए थे? ये अटैक उसने किए थे सिंध पर और कश्मीर पर। तो ये जो तीन बार अटैक किए, ये कहाँ किए? सिंध एंड कश्मीर पर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो बैटल्स हैं इनमें इन्वेजन्स हुए थे सिंध पर, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर ने भारत में कितनी बार आक्रमण किए थे, बाबर ने भारत पर कितनी बार अटैक किए थे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आईएमपी लगा लेना, समझ गए ना। पानीपत में आक्रमण होने या पानीपत का युद्ध लड़ने से पहले बाबर ने हिंदुस्तान पर कितनी बार अटैक किए थे? हाउ मेनी इन्वेजन्स वर डन बाई बाबर बिफोर द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट? तो क्या आंसर होने वाला है? चार बार। टोटल कितने हो गए? चार, क्योंकि तीन बार यहां पर और एक बार यहां पर, टोटल हो गए चार। एंड हिज फिफ्थ इन्वेजन वॉज द पानीपत बैटल, या बैटल ऑफ पानीपत वॉज हिज फर्स्ट फिफ्थ इन्वेजन, वो उसका पांचवा आक्रमण था पानीपत का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जब बाबर लूट कर रहा था या लूट रहा था किसे? सिंध को और कश्मीर को। उसी समय आगरा से शासन कौन कर रहा था? आगरा से शासन कर रहा था इब्राहिम खान लोधी। क्योंकि हम सभी को पता है, या हम सभी लोग जानते हैं कि उस समय पर दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा हुआ करती थी, ना कि दिल्ली हुआ करती थी। क्योंकि अभी पढ़ा है हमने, आगरा को कैपिटल के रूप में किसने एस्टेब्लिश कर लिया था? इन्हीं के पहले वाले शासक, जिनका नाम क्या हुआ करता था, जिनका नाम था क्या नाम है, सिकंदर खान लोधी। तो सिकंदर लोधी के समय ही राजधानी किसे बना दिया गया था? आगरा को। और उसका कारण भी मैंने बताया है, उसका कारण था कि राजस्थान के जो राजपूत रूलर्स थे वो काफी रिवोल्ट करते थे, और उसी रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए ही कैपिटल बना दी गई थी या शिफ्ट कर दी गई थी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद ही फेमस हुआ किस नाम से? आगरा के नाम से। तो ये भी कहां बैठे थे? आगरा में बैठे थे। जिस समय बाबर धूम मचा रहा था कहां पर? सिंध और कश्मीर में। अब यहां से एक्चुअल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब नजर आएंगे आप लोगों को। अभी तक तो स्टोरी के रूप में आप चीजों को ध्यान रखिएगा। अब जिस समय ये रूल कर रहा था ना, इसी समय पर पंजाब में इनका एक सूबेदार, या हम बोलें कि इनका एक राज्यपाल या गवर्नर हुआ करता था। जब ये यहाँ शासन कर रहे थे तो पंजाब में इनके सूबेदार, या सूबेदार की जगह हम बोलें पंजाब में इनके राज्यपाल थे। पंजाब में इनके राज्यपाल हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे दौलत खान लोधी। तो हिज गवर्नर इन पंजाब वॉज दौलत खान लोधी। और दिल्ली की सूबेदारी अगर बात की जाए, दिल्ली की सूबेदारी कौन संभाल रहा था? दिल्ली के सूबेदार या गवर्नर हुआ करते थे इन्हीं के एक अंकल या इन्हीं के एक चाचा, जिनका नाम था आलम खान लोधी। आलम खान लोधी। और ये दोनों नाम आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, हाईलाइट कर लेना, इन दोनों नामों को रट लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। दौलत खान लोधी एंड आलम खान लोधी, वो आर दी टू गवर्नर्स ऑफ लोधी किंगडम या लोधी डायनेस्टी हु इनवाइटिंग बाबर। जिन इन दोनों ने ही बाबर को क्या किया था? इनवाइट किया था। क्योंकि ये जो दोनों लोग थे ना,
ये दोनों लोग ही, या इन दोनों की बात नहीं काफी सारे लोग, पर फिलहाल हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों लोग लोधी में डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी के शासनकाल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, है ना। तो ये दोनों लोग इनके शासन से काफी परेशान थे, इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई कि क्यों ना बाबर को इन्वाइट किया जाए। समझ गए, बाबर वैसे भी अटैक कर ही रहा है वेस्टर्न रीजन में, तो क्यों ना उसको इन्वाइट किया जाए और बाबर आके अटैक कर दे दिल्ली पर या आगरा पर और हत्या कर दे या मार दे या रास्ते से हटा दे किसे, इब्राहिम खान लोधी को, और फिर दिल्ली की गद्दी जो है वो हमारे हाथ में होगी। ऐसा किसने सोचा? दौलत खान लोधी, खास तौर से किसने? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने, इन दोनों की ये स्ट्रेटेजी रही। और बाबर से जाकर कहा, दौलत खान लोधी जो पंजाब के गवर्नर थे, उन अब पंजाब और काबुल ज़्यादा दूर नहीं था, पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन या उनके साथ उनके रिलेशनशिप बन चुके थे। तो जाकर बाबर से ये बोले कि सिंध और कश्मीर में लूटपाट करने से कुछ नहीं होने वाला है, एक्चुअल में असली संपत्ति या असली धन, असली खजाना तो किसके पास है? इब्राहिम खान लोधी के पास, आगरा और दिल्ली में। तो एक्चुअल में अगर आपको कुछ चाहिए है इंडिया से तो या हिंदुस्तान से, तो आपको अटैक करना होगा किस पर, या बड़ी संपत्ति अगर चाहिए तो आपको अटैक करना होगा किस पर? इब्राहिम लोधी पर। और ये इन्विटेशन दे दिया किसे? इब्राहिम, ये इन्विटेशन दे दिया किसे? बाबर को, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। क्लियर। जब ये बात पता चली राणा सांगा को, जब ये बात किसे पता चली? राणा सांगा। अच्छा, राणा सांगा की दुश्मनी तो पहले से ही थी, अभी बताया 1517 में तो हुआ था बैटल ऑफ खटोली, जिसमें पराजित कर दिया था राणा सांगा ने, और एक और युद्ध हुआ था उसके बाद में, और फाइनली इन्हीं के जो प्रिंस थे, जो पुत्र थे, उनको इम्प्रेशन कर लिया था, बाद में ट्रीटी कर ली थी। तो राणा सांगा तो पहले से ही दुश्मन थे इब्राहिम खान लोधी के। जब राणा सांगा को पता चला कि अच्छा ऐसा इन्वाइट किया जा रहा है, तो उन्होंने भी अपना एक संदेश वाहक भेज दिया, अपना एक मैसेंजर भेज दिया किसके पास? बाबर के पास। राणा सांगा ऑल्सो सेंट हिज मैसेंजर टू द बाबर, और उस मैसेंजर ने वहां पे जाके कहा कि राणा सांगा ये कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल अटैक करिए, आप बिल्कुल इन्वेजन करिए दिल्ली पर और आगरा पर, और इब्राहिम खान लोधी की हत्या कर दीजिए। इस अटैक में, इस आक्रमण में मैं बाधा करता हूँ, मैं मतलब कौन? राणा सांगा। मैं नहीं कर रहा, राणा सांगा बाधा करते हैं कि मैं अपनी सेना लेकर आऊंगा और आपके साथ युद्ध में आपकी सहायता करूंगा। क्लियर। ये संदेश वाहक भिजवाया किसके पास? बाबर के पास। किसने? राणा सांगा ने। अब राणा सांगा ने भी संदेश भिजवाया, और इसके पहले लोधी जो दौलत खान लोधी और आलम खान जो लोधी थे, इन लोगों ने भी क्या किया? इन लोगों ने भी क्या किया? अपना संदेश पहुंचाया। अब ये इतने सारे संदेश गए, अच्छा राणा सांगा ने क्यों संदेश पहुंचाया? क्योंकि राणा सांगा को ऐसा लगा, राणा सांगा ने ऐसा सोचा कि बाबर जो है वंशज है। बाबर क्या है? वंशज है। किसका वंशज है बाबर? जो है वो वंशज है किसका? तैमूरलंग का। तैमूरलंग ने इन्वेजन किया था ना 1398 में। ध्यान रखिए, बाबर जो था वो वंशज था। किसका वंशज था? डिसेंडेंट। बाबर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूरलंग, एंड तैमूरलंग वॉज इन्वेडेड इन इंडिया इन 1398 ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश में नासिरुद्दीन महमूद रूल कर रहे थे, उसी समय इन्वेजन हुए थे तैमूरलंग के, और तैमूर जो था वो भारत में आक्रमण करके वापस लौट गए थे। और ऐसा पता था राणा सांगो कि ये भी उसी का वंशज है, और ये सिर्फ लूटपाट करने आएगा, और लूटपाट करके क्या करेगा? वापस लौट जाएगा। ऐसा किसे लगा? ऐसी गलती किसने की सोचने की? राणा सांगा ने। तो राणा सांगा को ये लगा कि लूटपाट करके और इब्राहिम लोधी की हत्या करके ये क्या होगा? वापस लौट जाएगा। क्लियर। और इन्होंने क्या कर दिया? बाधा कर दिया। अच्छा, वापस लौट जाएगा। अब वापस लौटने के बाद अपने लिए तो रास्ता क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अपने लिए किसका रास्ता ओपन हो जाएगा? कि दिल्ली सल्तनत का रास्ता अपने लिए ओपन है। अब दिल्ली सल्तनत किसके नियंत्रण में होगी? अपने नियंत्रण में होगी। ये दृष्टिकोण विकसित कर लिया था किसने? राणा सांगा ने। तो राणा सांगा ने ऐसी सोच विकसित कर ली थी, उन्हें ऐसा लगा था कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा, इब्राहिम लोधी को मारेगा और अपने पूर्वजों के अनुसार वापस लौट जाएगा। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया था राणा सांगा ने, और इस बीच हम उनकी मदद भी कर देंगे। क्लियर। बाबर अच्छे से जानता था क्यों, अच्छा ऐसा इसलिए भी था क्योंकि राणा सांगा ने ये पता लगाया था कि बाबर के पास कितनी फोर्स है और कितनी फोर्स लेकर वो आ रहा है।
तो ये पता था कि राणा सांगा को ये पता था कि ये आ रहा है लगभग 12,000 12,000 के लगभग ये फोर्स को लेकर आ रहा है, यानी 12 के यानी 12,000 की सेना के लगभग ही आ रहा है। हालांकि कई इतिहासकार इसे 15 से 30 भी मानते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि 15 से 30 हज़ार और कई लोगों का मानना है 12-15 हज़ार। तो ये पता था राणा संघों की 12-1 हज़ार की फोर्स लेकर ही आ रहा है, तो अभी अपन इसकी हेल्प कर देंगे तो यहाँ पे इब्राहिम लोधी को हरा देगा, अपने से तो ये जीत नहीं सकता है, अपने पास तो इससे कई गुना ज़्यादा सेना है और राजपूत सेना है, क्लियर। बट उनको ये नहीं पता था कि बाबर के पास कई सारे ऐसे भी तोप गोले या बंदूकें हैं जिनके बल पर बड़ी से बड़ी सेना को वो पराजित कर सकता था। चलिए, बाबर अच्छे से जानता था कि तोपों के इस्तेमाल किए बिना और कुशल नेतृत्व के बिना लोधी को हराना पॉसिबल ही नहीं है, या दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम खान लोधी को हराना बेहद नामुमकिन होगा बिना यूज किए तोप गोले और जो एक्सप्लोजिव है उनका यूज किए बिना, समझ गए, और एक कुशल नेतृत्व भी होना चाहिए, क्लियर। बट तो अगर हम बात करें, एक तरफ तो दौलत खान लोधी ने अब ये भी जानता है कि हराने के लिए सारी चीजें चाहिए, ऊपर से उसे इनविटेशन भी मिला है, यानी कि उसका जो डर था ना उसको हटाने की चीजें भी साथ में हो रही थी, सारी चीजें एक साथ मिलकर काम कर रही थी। एक तरफ इन्विटेशन पे इन्विटेशन मिल रहे थे दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, और ऊपर से एक और हेल्प करने का वादा कर दिया था किसने, राणा सांगा ने, समझ गए ना। इतनी सारी परिस्थितियां बाबर के पक्ष में थी, तो बाबर ने भी सोचा कि चलिए क्यों ना एक बार भाग्य को आजमाया जाए, लेट्स ट्राई द फेट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार जाकर अपन अपने भाग्य को क्या करते हैं, देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और उसी के बाद पानीपत नामक जगह पर आकर उसने अपना गढ़ बना लिया और वहीं पर आके वो रुक गया, पानीपत में आके रुक गया। और उसी के बाद फिर हमें पता है इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, पानीपत में जो किला था उस किले, या एक शहर है पानीपत, उस शहर में एक किले के पास उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा कर ली और तैयारियां शुरू कर दी, है ना। इब्राहिम खान लोधी तो लेट आया, बाबर पहले ही आ चुका था, बाबर पहले ही आ चुका था और तैयारियां शुरू कर दी थी। बाबर ने क्या किया कि पानीपत के जितने भी फार्मर्स थे, किसान थे, उनसे उनकी बैलगाड़ियां ले ली, उनकी बैलगाड़ियां खरीद ली और उन बैलगाड़ियों पर अपने तोप लगा दिए, अपनी तोप जो थी उन बैलगाड़ियों पर लगा दी, है ना, और वहां पर ट्रंच खोदना शुरू कर दिया, कई दूर 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 तक ट्रंच खोदना शुरू कर दिया। ट्रंच का मतलब है खाई, ये भी उसी ने स्टार्ट किया। तो ट्रंच जो थे वो 4-4, 5-5 फीट के ट्रंच खोद दिए गए और ऊपर से उनके ऊपर ऐसा कुछ कवर कर दिया गया ताकि ऊपर से दिखे नहीं कि अंदर अंदर गड्ढा है, तो जब इब्राहिम लोधी की सेना आएगी तो उनको पता नहीं रहेगा कि आगे ट्रंच खुदे हुए हैं और वो उसी के अंदर क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। और ट्रंच के अंदर काफी नुकीले इस तरह के वेपन्स उन्हें लगाए थे कि वो वहीं के अंदर वहीं पर उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस तरह की तैयारियां उसने करना पहले ही शुरू कर दी थी क्योंकि वो पहले ही आ चुका था कहां पर, पानीपत पर, और अब आना था किसे, इब्राहिम खान लोधी को। चलिएगा, तो अब इस तरह से हमें पानीपत में क्या स्ट्रेटेजी रही बाबर की, तो जैसे कि मैंने बोला कि वहीं के जो लोग थे पानीपत के, उन्हीं लोगों से मदद ली और उन्हीं से क्या ले ली, बैलगाड़ियां लेना शुरू कर दी। किसने, बाबर ने उन्हीं लोगों से बैलगाड़ियां खरीदना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था या शुरू कर दिया था, क्लियर। तो बैलगाड़ियां ले ली और फिर किस तरह से उसने युद्ध लड़ा, उन चीज़ों को हम समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या पॉलिसी थी, क्या स्ट्रेटेजी थी बाबर की, उन सारी चीजों को समझना है। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कब लड़ा गया, तो यहां पे टाइम आ जाएगा 21 अप्रैल 1526 को, 1526 को, क्लियर। भारत के इतिहास का सबसे, जिसे जब हम सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध की बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो ये पानीपत के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, ऑल दी थ्री बैटल्स ऑफ पानीपत आर इम्पोर्टेंट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में पानीपत के तीनों ही युद्धों का काफ़ी महत्व है, समझ गए, और तीनों ही युद्धों में हमेशा कौन जीता है, ऑल दी थ्री बैटल्स इन पानीपत हमेशा वही जीते हैं जो बाहर से अटैक करने आए हैं और उन्होंने हरा दिया है किसे, इंडियन रूलर्स को, या इंडिया में रूल करने वाली शक्ति को हरा दिया था विदेशी शक्तियों ने या फॉरेन पावर्स ने, ऑल दी थ्री बैटल्स ऑफ पानीपत। चाहे आप देख लें, फर्स्ट बाबर आ रहा है बाहर से, काबुल से, या मूल रूप से उज्बेकिस्तान से रिलेटेड है, छगताई तुर्क है। दूसरी बात करें तो अकबर ने हरा दिया था हेमू को, हेमू जो कि इंडिया में ही रूल करता था, एक हिंदू शासक था हेमू,
और अकबर उस समय लाहौर से आ रहा था अटैक करने के लिए, क्लियर। और तीसरा जो था ना इन्वेजन, वो था अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली ने किसे हरा दिया था? मराठा फोर्स को, जिसके नेतृत्व करता हुआ करते थे उस समय सदाशिवराव भाऊ, और उनके पेशवा के सक्सेसर बनने वाले थे बिश्वासराव, क्लियर। तो उस युद्ध में मराठों की हार हुई थी और एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया था इंडियन हिस्ट्री में। तो इस तरह से तीनों ही पानीपत के युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही युद्धों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चलिए, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। दैट वॉज फोर्ट इन 21 अप्रैल 1526 को। अब सबसे पहली बात तो ये युद्ध लड़ा गया था दो लोगों के फोर्सेस के बीच में। पहला नाम हम लिख देते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, या बाबर जो उज्बेकिस्तान से आया था या उज्बेकिस्तान के फरगना से बिलोंग करता था। और दूसरा जो व्यक्ति था वो था इब्राहिम खान लोदी। लोधी डायनेस्टी का आखिरी शासक, जिसकी कैपिटल उस समय हुआ करती थी आगरा, और रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत पर, क्लियर। इस वंश का अंतिम शासक। देखिए, बाबर के पास थी लगभग 12,000 की फोर्स, लगभग 12,000। हालांकि इतिहासकारों के अलग अलग डिस्प्यूट, अलग अलग मत हैं। कोई कहता है 12 से 15, कोई बोलता है 15 से 30। हम अभी मान के चलते हैं 12,000, क्योंकि एक चीज तो मानना पड़ेगी ना, ऐसे तो कई सारी चीजें हो जाएंगी बोलने के लिए। तो लगभग 12 के फोर्स थी इनके पास, और इनके पास लगभग 1,00,000, जबकि कई लोग कहते हैं 1,20,000 या उससे भी कहीं ज्यादा। तो अब मान के चलते हैं कि 1,00,000 की फोर्स थी, 1,00,000 सैनिकों की का खेमा था इनके पास, और 12,000 की फोर्स थी इनके पास। लेकिन इनके पास जो खास चीज थी वो थी तोप, गोले, बंदूकें, ये सारी चीजें बाबर के पास थी। और इनके पास लगभग 3,000 हाथी थे, बट कोई भी किसी भी प्रकार के तोप, गोले, बंदूक, इन सारे इक्विपमेंट्स इनके पास नहीं थे, क्लियर। अब देखिए, बाबर 1526 में पहले ही पहुंच गया था, 1526 में पहले ही पहुंच चुका था पानीपत, क्लियर। बाबर पहले ही पहुंच चुका था पानीपत और वहां के लोगों से हेल्प करना शुरू कर दी थी, उनसे हेल्प लेना शुरू कर दी थी पानीपत के लोगों से, ना बैलगाड़ियां खरीद ली थी। देखिए, बाबर अगर पानीपत की बात की जाए ना, तो पानीपत जो है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। पानीपत कौन सी नदी के किनारे पर बसा, हम सभी लोग जानते हैं, पानीपत इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ यमुना, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने कुछ इस तरह से युद्ध की नीति बनाई, इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई कि जैसे यहां पर आप मान लें कि इस साइड में है यमुना, क्लियर, और इस साइड पे बाबर ने क्या किया, जैसे अभी मैंने बताया, ट्रंच खुदवाने शुरू करवा दिए, यानी खाइयां खुदवाना शुरू करवा दी अपने सैनिकों से और वहां के जो निवासी थे उन लोगों से कहकर ट्रंच खुदवाने शुरू कर दिए, और इस तरह से त्रिकोण शेप में एक एरिया बनवा लिया, और यहां पे आता है पानीपत, क्लियर। और यहां पे खुदवा दी उसने ट्रंच, इट मींस खाइयां, यहां पे उसने कुछ ट्रंच खुदवा दिए, क्लियर। एक तरफ यमुना, एक तरफ ट्रंच उसने खुदवा दिए थे, और अपनी सेना को उसने लगा दिया था यहां पर, यहां पर जमा कर दी थी उसने अपनी आर्मी, जो कि लगभग कितनी आर्मी थी, 12,000 या 12,000 के लगभग की सेना को इस तरह उसने अटैच कर दिया, क्लियर। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ से प्रोटेक्शन है, दोनों तरफ से प्रोटेक्शन है, एक तरफ यमुना, इधर से तो कोई आ नहीं सकता, और इधर से जो आएगा वो खाई के अंदर ही चला जाएगा। तो दोनों तरफ से प्रोटेक्शन करने के बाद सामने से दुश्मन को अटैक करने के लिए मजबूर करना, ये एक पॉलिसी या एक स्ट्रेटजी है जो अपनाई किसने, बाबर ने, क्लियर। दोनों तरफ से प्रोटेक्शन लेने के बाद दुश्मन को सामने से अटैक करने के लिए मजबूर कर दिया बाबर ने, युद्ध नीति। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाबर ने भारत में जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ा तो कौन सी युद्ध नीति का उसने पालन किया, आंसर क्या होगा, तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा बैटल पॉलिसी। देखिए, ये कहां से सीखी थी, ये सीखी थी उज्बेकों से, क्योंकि उज्बेकों ने उसे कई बार युद्ध में पराजित किया था और वो लोग इसी पॉलिसी के तहत युद्ध लड़ते थे, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बाबर की अगर बात करें ना, तो बाबर की सेना में देख, जैसे कि मैंने बोला कि उसके पास तोप वगैरह थे, तोप वगैरह वो लेकर आया था अपने साथ में, है ना। तो तोप वगैरह का संचालन करने के लिए उसके जो दो तोपची हुआ करते थे इस युद्ध में, उसके दो तोपची थे जो उसके पूरे तोप का या कैनन्स का क्या कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, तोप खाने का संचालन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दो क्या थे, तोपची थे बाबर की सेना में। और ये नाम आपसे बार बार पूछे जाएंगे कि पानीपत के युद्ध में
बाबर की सेना के तोपची कौन थे? जैसे अगर हम बात करें ना पानीपत का तीसरा युद्ध, उस समय सदाशिव राव भाऊ की सेना के जो तोपची थे वो इब्राहिम खान गार्दी था, एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका नाम था इब्राहिम खान गार्दी, है ना। निजाम को हराने के बाद सदाशिव राव भाऊ या मराठों की सेना में शामिल हो चुका था इब्राहिम खान गार्दी, और वो तोपची हुआ करते थे मराठों के। यहाँ पे अगर बात की जाए बाबर की, तो बाबर की सेना में दो तोपची थे जिनका नाम था, पहला जो नाम था वो था उस्ताद अली, एंड द अनदर वन वॉज, जो दूसरे तोपची थे उनका नाम था मुस्तफा खान। मुस्तफा खान, क्लियर। तो ये जो थे ये दो तोपची थे, और उनसे आपसे पूछेंगे कि जब बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा तो उसके दो तोपची कौन कौन से थे, तो आंसर क्या होगा, उस्ताद अली और दूसरा नाम क्या था, मुस्तफा खान, क्लियर। अब जब ये युद्ध शुरू हो रहा था तो बाबर ने क्या किया, अपने तोपों को अपनी जो सेना थी अपनी सेना के जस्ट सामने क्या कर दिया, सजा दिया था, क्लियर। उसके जो तोप थे ना वो यहाँ पर सजे हुए थे, अपनी सेना के एकदम सामने उसने अपने तोपों को लगा दिया था इस स्टाइल में, दो गाड़ियों के बीच में जैसे यहाँ पे एक गाड़ी होगी मान लीजिए इस तरह से, और दो गाड़ियों के बीच में तोपों को उसने अरेंज किया था, इस तरह से उसने तोपों को अरेंज किया था। दो बैलगाड़ियाँ किससे खरीद लिया था, पानीपत के ही लोगों से बैलगाड़ियाँ परचेस कर ली थी, और दो गाड़ियों के बीच में एक तोप को अरेंज कर दिया था, क्लियर। तो दो गाड़ियों के बीच में जगह छोड़कर एक तोप को अरेंज किया गया था, इस तरह से उसने अपनी सेना के सामने तोपों को अरेंज किया था। तोपों को सजाने की इस आर्ट को, इस कला को, इस विधि को, इस शैली को क्या कहा जाता है, इस आर्ट को कहा जाता है उस्मानी कला, उस्मानी आर्ट, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बन जाता है, वो ये बन जाता है कि उस्मानी कला के अनुसार या उस्मानी कला के तहत ही बाबर ने अपने तोपों का क्या किया था, यूज किया था, या उसने अपने तोपों को अपनी सेना के जस्ट सामने क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था दो गाड़ियों के बीच में जगह छोड़कर एक तोप को, क्लियर। युद्ध शुरू होना था 21 अप्रैल, यानी क्या होता है युद्ध हमेशा मॉर्निंग में ही स्टार्ट होता है, तो युद्ध जो था वो 21 अप्रैल मतलब 1521 वाला डे जो है डिसाइड हुआ था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग में युद्ध लड़ा जाना था, और युद्ध हमेशा मॉर्निंग में ही होता है, रूल है, रेगुलेशन है, कुछ प्रोटोकॉल होते थे उस समय पर भी कि कभी रात में सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, तो यही प्रोटोकॉल ये निर्धारित हुआ था। हालांकि कई इतिहासकारों का ये कहना है कि इब्राहिम खान लोधी भी पानीपत पहुंच चुका था और एक तरफ बाबर था, और कई दिनों तक इनके बीच में युद्ध ही नहीं हुआ, कई दिनों तक दोनों की फोर्स एक दूसरे को देखती रही, और फिर एक ऐतिहासिक कदम उठाया किसने, बाबर ने, और अचानक से अटैक कर दिया। हालांकि उस इतिहासकारों का कुछ और मत भी है, अब वो चीज को छोड़ के हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि युद्ध होना तय हुआ 21 अप्रैल 1526 की अर्ली मॉर्निंग, क्लियर, अर्ली मॉर्निंग में युद्ध होना था, क्योंकि युद्ध नीति यही कहती है कि रात को युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। अकॉर्डिंग टू वॉर पॉलिसी, युद्ध नीति के अनुसार कभी भी रात में युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, ये था। लेकिन बाबर ने एक ऐतिहासिक काम किया, बाबर ने क्या किया, एक हिस्टोरिकल कदम उठाते हुए, एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 21 अप्रैल की आधी रात को ही, मध्य रात्रि को ही इब्राहिम खान लोधी के खेमे पर क्या करवा दिया, अटैक करवा दिया, समझ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, एक इंपॉर्टेंट एक्ट था जो बाबर ने कर दिया। बाबर ने क्या कर दिया, 21 अप्रैल की आधी रात को जब ये सब लोग, ये इनका जो खेमा था, सब लोग सो रहे थे आराम से, इनको कोई टेंशन नहीं थी कि सुबह हमको युद्ध में जाना है, तो जब ये लोग सो रहे थे उसी टाइम पर अटैक कर दिया किसने, बाबर ने। बाबर को पता था अपनी फोर्स तो काफी कम है, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होगा तभी हम जीत पाएंगे, तो आधी रात को ही अटैक करवा दिया, क्लियर। और बाबर के खेमे से तोपें चलना क्या हो गई, शुरू हो गई, और जैसे ही तोपों के विस्फोटों की आवाजें हुई, जैसे ही बाबर के तोपों के विस्फोटों की जैसे ही आवाजें आना शुरू हुई, लोधी के जो सैनिक थे वो घबरा कर उठने लगे, और लोधी की ही सेना के जो हाथी थे वो भिदक गए, और उन्होंने अपने ही सैनिकों को कुचलना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक तरफ सैनिकों की बात की जाए या फिर हाथियों की बात की जाए, दोनों ने ही तोपों की ये जो आवाजें थी ये पहले कभी नहीं सुनी थी, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। और जब ये तोप से विस्फोट होता था और ये जब आग जलती थी ना,
ये चीज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे और इसको देखकर ही उनके मन में इतना घबराहट या इतना डर हो गया था कि वो युद्ध में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, समझ गए। जब एक तोप से गोला फूटता था और उसमें से आग निकलती थी और इतना बड़ा विस्फोट होता था, उस विस्फोट को देखकर ही ये सैनिक क्या हो गए थे, डर गए थे, समझ गए। तो क्या हुआ कि हाथियों ने अपने ही सैनिकों को क्या करना शुरू कर दिया, कुचलना शुरू कर दिया। और जैसे तैसे जब युद्ध शुरू हुआ तो जब ये विस्फोट वगैरह या तोप वगैरह शुरू हुए तो सैनिक अपने आप में ही डरने लगे, घबराने लगे और उनके अंदर एक भगदड़ मच गई, क्लियर। और फाइनली जो है इब्राहिम लोधी को पकड़कर बाबर ने उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इस तरह से बाबर ने इस युद्ध को क्या कर लिया, जीत लिया, है ना। तो हाथी पहले से भी प्रशिक्षित नहीं थे और वैसे भी उनके लिए नया एक्सपीरियंस था इस तरह से आवाजें आना तोपों की, गोलों की, है ना। इस तरह रात को ही युद्ध शुरू हो गया और एक बड़ा उलटफेर भारतीय इतिहास में हो गया और 12,000 की सेना के 12,000 सैनिकों की सेना ने 1,00,000 सैनिकों की सेना को क्या कर दिया, आसानी से परास्त कर दिया, क्लियर। एंड बाबर किल्ड इब्राहिम लोधी, और बाबर ने हत्या कर दी किसकी, बाबर ने मार दिया किसे, इब्राहिम लोधी को। एंड ही फाउंडेड मुगल डायनेस्टी, और उसी ने क्या कर दिया, मुगल वंश की, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और अभी ये जो मुगल एम्पायर है ये इंडिया पर रूल करेगा लगभग 321 ईयर्स, 321 सालों तक इस मुगल साम्राज्य का भारत पर क्या होगा, शासन होगा, इसे जिसे फाउंड किया, जिसे स्थापना किया किसने, बाबर ने, क्लियर। बाबर फाउंडेड मुगल एम्पायर इन 1526 में आफ्टर किलिंग इब्राहिम खान लोधी, इब्राहिम लोधी की हत्या करके। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न या सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या राणा सांगा बाबर की हेल्प करने या मदद करने के लिए अपनी सेना को लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था बाबर से कि आप आइएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम अपनी सेना लेकर वहां जरूर पहुंचेंगे। बट राणा सांगा समझ गए थे, राणा सांगा को पहले ही पता चल गया था कि ये तैमूर का पांचवा वंशज जरूर है, है ना, लेकिन ये इंडिया में सिर्फ लूटपाट करने और इब्राहिम लोधी को मारने नहीं आया है, इसका टारगेट है इंडिया में मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करना, मुगल साम्राज्य की स्थापना करना। वो समझ चुके थे कि ये इस पॉलिसी के तहत इंडिया में आए हैं, ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इसको राणा सांगा को, इसलिए राणा सांगा ने हेल्प करना मना कर दिया या वो हेल्प करने नहीं आए, अपनी आर्मी को लेकर नहीं आए, क्लियर। और फिर क्या हुआ, वो सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही पता है कि बाबर ने हत्या करने के बाद जो इब्राहिम लोधी था उसकी कब्र भी वहीं खुदवा दी, इसीलिए इब्राहिम लोधी की कब्र भी कहाँ पर है, पानीपत में ही इब्राहिम लोधी का मकबरा भी बना हुआ है। और फिर उसने इस्टेब्लिश कर दिया मुगल एम्पायर जिसने रूल किया इंडिया पर 321 ईयर, 321 सालों तक। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक बार और फिर से हम रिकेप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इब्राहिम खान लोधी की बात की जाए तो एक इनकेपेबल रूलर था, एक अयोग्य शासक था, जिस प्रकार सिकंदर लोधी हुआ करते थे एक महान शासक, उसी प्रकार उतना ही अयोग्य था वो, जितने योग्य थे उतना ही अयोग्य था इब्राहिम खान लोधी। और जब ये शासक बना तो इसने उन पॉलिसीज को जो जनता के लिए अच्छी पॉलिसी थी उन्हें क्या करना शुरू कर दिया, बदलना शुरू कर दिया, बंद करवा दी वो पॉलिसी, जिससे जनता भी नाराज थी। और दूसरा इसने क्या किया कि जो बुजुर्ग या जो ओल्ड उसके ऑफिसर्स थे, सूबेदार थे, उन्हें डिस्प्लेस करना, उन्हें हटाना शुरू कर दिया, और जो युवा यूथ जो उसके प्रति काफ़ी विश्वास पात्र जो लोग थे उन्हें अपॉइंट करना शुरू कर दिया। इससे जनता भी नाराज, ऊपर से जो ऑफिसर्स थे जो इतने समय से काम कर रहे थे वो भी नाराज थे, और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा क्योंकि उन्हीं लोगों ने इन्वाइट किया किसे, बाबर को। अब उसी के समय पर पंजाब के जो गवर्नर हुआ करते थे वो हुआ करते थे दौलत खान लोधी, और दिल्ली की सूबेदारी संभालते थे आलम खान लोधी जो उसके चाचा या अंकल थे। अब इन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाकर इनवाइट किया किसे, कुबलिस्तान के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। और बाबर के लिए कोई नया नहीं था, उसके पहले भी 4 बार इंडिया पे अटैक कर चुका था। सबसे पहले 1519 में उसने अटैक कर दिया था बिजोरा पर, और उसके बाद फिर उसने 1520 से 21 के बीच में सिंध और कश्मीर पर 3 बार अटैक किया, टोटल 4 बार इन्वेजन कर चुका था। अब उसे इनवाइट किया गया था दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी दोनों के तरफ से, है ना, और इनवाइट करके उन्होंने कहा कि ऐसा है कि देखिए बाबर, आप जो सिंध और कश्मीर को लूट रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, असली जो संपत्ति आपको मिलेगी वो मिलेगी किससे, इब्राहिम खान लोधी से, तो उस पर अटैक करने पे ज़्यादा संपत्ति हाथ लगेगी। ये बोलकर इनवाइट करा गया अटैक करने के लिए। और जब ये बात पता चली राणा सांगा को, एक फैक्टर और ध्यान रखना है यहाँ पे, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, उन्होंने भी अपना मैसेंजर भेज दिया बाबर को और बोला कि आप आइए, बिल्कुल हम आपकी हेल्प करेंगे, हम अपनी सेना भेजेंगे, जब आप अटैक करोगे
आगरा पर, दिल्ली पर और दिल्ली के इस सल्तनत के शासक के ऊपर, तो हम आपकी हेल्प करने जरूर आएंगे। और इसी बातों से एक्साइटेड होकर बाबर ने भी मन बना लिया, हालांकि उसे पता था कि इनके पास बहुत बड़ी फोर्स है, फिर भी अपने भाग्य को तलाशने के उद्देश्य से वो आ गया अपनी सेना को लेकर और पानीपत में आकर जम गया। वहीं के लोगों से हेल्प ली, वहीं के लोगों से गाड़ियां परचेस की, ट्रंच खुदवाए और एक पूरा का पूरा गढ़ उसने बना लिया पानीपत में। और फिर आई इब्राहिम खान लोधी की फोर्स, जो लगभग 1,000-1,00,000 के लगभग फोर्स थी और इनके पास लगभग 12,000 की फोर्स थी। हालांकि सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे बड़ी बात यह थी, बाबर के पास जो सेना थी उनके पास युद्ध तोप गोले बंदूकें ये सारी चीजें थी, और इब्राहिम खान लोधी की जो फोर्स थी वो एक फोर्स कम एक प्रकार का मेला था, जिसमें कहीं इधर से कहीं उधर से चारों तरफ से सैनिकों को बुलाकर इकट्ठा किया गया था। तो वो एक जगह पर ना उनके प्रशिक्षण हुए थे, ना वो एक दूसरे को जानते थे, ना उनका एक दूसरे से कोई अटैचमेंट था, तो ये एक प्रकार की हुजूम वाली फोर्स थी जो मेले की तरह आ गए थे लड़ने के लिए। वो लोगों का कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई थी। बाबर की जो फोर्स थी भले कम फोर्स थी, बट वो अच्छे खासे ट्रेंड फोर्स थी। उसमें उज्बेक फोर्स थे या उधर के जितने भी ट्रेंड माउंटेंड जो फोर्स थी, वो सारे योद्धा लोग थे उस फोर्स में। और सबसे खास बात, वो तोप बंदूक गोले इन सारी चीज़ों से अच्छी प्रकार से क्या थे, प्रैक्टिस थी उनकी। तो जब ये फोर्स इकट्ठा हुई, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नंबर और इतने कम नंबर में टेंशन की बात थी, इसलिए बाबर ने आधी रात को ही 21 अप्रैल 1526 में अटैक कर दिया, धावा बोल दिया किस पर, इब्राहिम खान लोधी की सेना पर। और फिर उसके हाथी और उसके सैनिक डर गए और फाइनली उसने इब्राहिम खान लोधी की हत्या करके इंडिया में मुगल एम्पायर को फाउंड कर दिया, स्थापना कर दी, जो कि लगभग 321 ईयर तक क्या करेगा, रूल करेगा, जब तक अंग्रेजों का भारत में आगमन लगभग लगभग नहीं हो जाता। हालांकि बीच में कुछ समय मराठा एम्पायर या छोटे मोटे किंगडम्स भी बनने लगे जब मुगलों का पतन होने लगा, उसके बाद चलिए फिर फाइनली अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। अब यहाँ पे मुगलों का टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, मुगल डायनेस्टी हम अब स्टार्ट करेंगे बाबर से, बट एक और टॉपिक हम उसको मुगल स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक पढ़ेंगे, और वो जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे साउथ इंडिया में जो किंगडम स्टार्ट हुई थी, है ना, दिल्ली सल्तनत के समय पर, ड्यूरिंग द रियल्म ऑफ दिल्ली सल्तनत, टू इंपॉर्टेंट किंगडम वॉज फाउंडेड इन साउथ इंडिया। दीज टू किंगडम्स आर नोन एज बहमनी किंगडम, that was founded by Hasan Gangu in 1347, and the another one was Vijayanagar Kingdom या Vijayanagar Empire. Vijayanagar Empire was founded by in 1336 by Harihar and Bukka. और ये दोनों ही kingdom establish हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। तो ये दो kingdom को पढ़ना है, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के समय से ही या तुगलक dynasty के समय से ही जौनपुर में एक सारकी kingdom या सारकी empire चला करता था। जो सारकी किंगडम था वो इन्हीं इब्राहिम खान लोधी के पहले जो रूल किया कर रहे थे, है ना, बहलोल खान लोधी फर्स्ट जो फाउंडर थे, उन्होंने उस सारकी वंश को समाप्त करके जौनपुर को दिल्ली में क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया, यानी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो इन तीनों किंगडम को हम यहाँ पे हल्का हल्का सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी बन जाते हैं, सारकी किंगडम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये दो किंगडम जो है साउथ इंडिया के, बहमनी एंड विजयनगर, इन दोनों से काफी क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे और ये काफी आपको परेशान भी करेंगे, इसलिए हम इन तीन टॉपिक को पहले करेंगे और फिर हम स्टार्ट कर देंगे हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक, दैट इज मुगल एम्पायर और मुगल साम्राज्य। क्लियर, चलिए तो अभी इसको हम समाप्त करते हैं।